दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज किसान कार्यशाला में अपने यहां पे। हमारे कुछ मित्र हरियाणा से आए हुए हैं, तो आज कारगिल दिवस था। हमने अपने 500 से ज़्यादा शहीद जवान खोए हैं आज के दिन, और 1368 के आसपास घायल हुए थे, 20-30 मिसिंग भी थे। और आज उन वीरों को याद करने का दिन था, तो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन बिजनौर ने आज सम्मानित भी किया मुझे कृषि के क्षेत्र में किसानों की सेवा करने के उपलक्ष में। और ये दिन खुशी का भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि हमने जो हमारे गलत तरीके से हमारे देश में घुसने की कोशिश की, उनको हमने बुरी तरीके से दौड़ा के भगाया और जीत हासिल की। और ऐसे आप लोग तो शायद गए होंगे कि नहीं गए होंगे, हम उन जगह पर रहे हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं कि आप वहाँ पे चलना तो दूर की बात है, रेंग नहीं सकते, एक एक इंच खिसकना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी, 17-17 गोलियाँ लोगों ने खा करके सीने पर भारत माँ की रक्षा की। नमन है ऐसे वीर सपूतों को, और उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। दिल से सैल्यूट। मैं भी उसी एक विभाग का हिस्सा रहा हूँ, 17-18 साल देश सेवा की है, तो वो दर्द क्या रहा होगा उनके समय में लड़ते हुए, जो वो सोच रहे होंगे वो मैं आराम से महसूस कर सकता हूँ। बाकी इस देश में दो ही लोगों की जय बोली जाती है, जवान और किसान। दोनों ही जिंदाबाद हैं और दोनों की वजह से देश जिंदा है, ये यही सच है। लेकिन दोनों ही आज परेशान हैं, दोनों ही आज दुखी हैं। जवान भी कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बेचारा हमेशा कष्ट में रहता है, उसकी ड्यूटी ऐसी है। और किसान भी हमेशा कष्ट में रहता है, वो बरसात में भी जाएगा, धूप में भी जाएगा, आंधी तूफान हर जगह, उसको कोई बहाना नहीं है उसके पास कि बारिश पड़ रही है मुझे खेत में नहीं जाना है। तो आज उन वीर सपूतों को हम लोगों ने याद किया, विनम्र श्रद्धांजलि दी। जो शहीदों की विधवाएं वहां पे आई थी उनको भी नमन किए, जिन्होंने कारगिल की लड़ाइयां लड़ी थी उनको भी स्मृति चिन्ह दिए और सभी को सम्मानित किया। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, तो ये आज का दिन था जिसके ऊपर बोलना ज़रूरी था, और वहीं से डायरेक्ट आ रहा हूँ। तो मैं भैया से चाहूँगा आप एक अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जयवीर मलिक, गांव निमरी, जिला पानीपत और स्टेट हरियाणा। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है जी 8597-99-99-0। मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको यहाँ तक आना? ऐसा है जी, बीमारियों से बहुत परेशान हो रहे हैं, पैदावार घट रही है, हम चलो जैसे तैसे खर्च करके महंगी दवाइयाँ डाल के रिजल्ट ले लेते हैं, खेत से फसल तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि भाई फसल अच्छी लग रही है लेकिन उसका झाड़ नहीं आता। जैसी फसल दिखती है वैसी निकलती नहीं एवरेज में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉल किया था तो इसी पर्सन पे कॉल किया था कि भाई हमारी फसल दिखती बहुत अच्छी है लेकिन निकलती उतनी है नहीं जब मंडी में जाती है, तो उसका कारण क्या? फसल क्या थी? जैसे धान, धान है जी, गेहूं है, गन्ना है। अगर जमीन में और जैसे ये अपनी फसलें हैं सब्जी वर्गीय, जैसे हमारे यहाँ मिर्च बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब मिर्च नहीं होती वहाँ पे। जैसे पहली तुड़ाई हो गई ठीक है, दूसरी हो गई ठीक है, लेकिन तीसरी तुड़ाई में सारी मिर्च मतलब ये मरुड़ी हो जाता है, ऐसी मिर्च है तो वो छोटी हो जाती है, तो ये कारण है। हमारे पिताजी के टाइम में इतनी ही तो मतलब कि वो गोभी से इनकम ले लेते थे और साथ में इतनी ही इनकम मिर्च से ले लेते थे, और अभी हम गोभी से भी इतनी इनकम नहीं ले पा रहे। तो मेन प्रॉब्लम मतलब कि वो जानने के लिए हम आपसे मिले थे, आपसे संपर्क किया था। आपने दो चीज बताई थी हमें, एक ये भूप्रहरी और एक भूमित्र, ये हमने मंगाई है। अच्छा जी, इसका मैंने भूप्रहरी का घिया में स्प्रे किया था, इसका फंगस में काफ़ी हद तक कंट्रोल मिला मेरे को, और एक ही स्प्रे में। कैसे किया था? जैसे जैसे मैंने उसमें आपसे मंगाई, उसमें टाइम ही इतना नहीं था कि मेरे पास कि मैं उसको सिस्टर कल्चर में लगा के कन्वर्ट कर सके, कन्वर्ट करके और तब करूं।
तो मैंने उसमें पर लीटर 20 लीटर की में 1 लीटर मदर कल्चर डाल के तब स्प्रे किया। इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है, अगर कंटिन्यू रहे ना सब्जी पे 7 दिन पे, तो कोई दुनिया की बीमारी भटकने के लिए पास। इसके अलावा कोई लॉजिकली उपाय नहीं इस दुनिया में। हाँ, और यही बात है जी, जैसे अब वहाँ जाना था शाहजहानपुर, ये अपने रिश्तेदार हैं, इनका परिचय करवा दो एक बार। आपका भैया पूरा परिचय। नमस्कार जी, मैं सनी, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, तहसील गोहाना, विलेज में मैं यहाँ से निकल रहा था, तो ये अपने फौजी साहब हैं, इनके बारे में अपने मलिक साहब ने बताया, तो जाते हुए कि सोचा इनसे मिल के निकलें, तो इनसे कॉल पे बात हुई थी कल, तो आते हुए इनसे अभी मिले हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि खेती के बारे में क्या क्या कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जिससे फंगीसाइड है जो फंगस से बचे और अच्छे से हम अपनी पैदावार निकाल सकें। अभी आपका पहला सवाल क्या है जिसका मुझे जवाब देना है? जैसे जी मैं सब्जी भी करता हूँ जी, अच्छा जी धान भी लगाता हूँ, गेहूँ भी, और जी मैंने 1 एकड़ में अंजीर का बाग भी लगा रखा है। तो पहला सवाल तो ये है जी, मैं अपनी फसल अच्छी कर लेता हूँ, जैसे फसल लग रही है बहुत अच्छी लगता है, ये 20 क्विंटल 22 क्विंटल मतलब अंदाजा है कि हमारा ये निकल जाएगी, लेकिन जब मंडी में जाती है तो उसकी कम से भी कम 4 से 5 क्विंटल उपज कम निकलती है, उपज कम निकल। फर्टिगेशन किस तरीके से यूज करते हैं जी? फर्टिगेशन तो हम पहले यूरिया लगा दिया, डीएपी लगा दिया, सल्फर लगा दी, जिंक लगा दिया। पोटास कितना लगाते हैं? पास लगाई नहीं हमने। बिना पोटास के वजन कैसे आएगा? हाँ, लेकिन पोटास के लिए ये एनपीके के स्प्रे जरूर करते हैं जी, जैसे स्प्रे 0050। हाँ हाँ, ये 0050 52 34 19 19, ये जैसे गोद में आने से पहले करते हैं। बेसल डोज में भी जाना आवश्यक है। अब जैसे हम आज केमिकल फार्मिंग पे खड़े हैं, भविष्य तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक में उत्पादन कम होता नहीं है। अगर आप तरीके से ऑर्गेनिक पे आओगे तो, जैसे हम फौज में छुट्टी काट के वापस जाते हैं ना, घर भले हमारा पेट निकल जाए, हम वहाँ पे अपना मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग उस तरीके की दी गई है। आपको अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ा दूँ यहाँ से उठा के, तो आप या तो बेहोश हो जाओगे, हार्ट अटैक भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज तो हो ही जाओगे। ठीक है, हमारे यहाँ उठा के पूछते भी नहीं, 5 किलोमीटर अंधाधुंध दौड़ाते हैं, कुछ नहीं होता बंदे को भरी दोपहर में। भाई साहब, उस तरीके से हमें तैयार किया गया है, हमारी जो ट्रेनिंग है उस तरीके से की गई है। अगर एक आदमी को चलते सड़क पर पकड़ के ले जाओ और उसको दौड़ाओ, वो गया काम से। हमें जो साल भर कूटा पिटा जाता है, वो इसलिए कूटा पिटा जाता है कि हम हर विषम परिस्थिति से लड़ सकें। तो पहले साल जहाँ हम अभी खेती कर रहे हैं केमिकल वाली, इस खेती से पीछा कैसे छूटे, छुटाना तो है, दवाई पे दवाई डाल के तो पीछा छूटना नहीं है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट यूज करके तो पीछा छूटना नहीं है जी, खर्चे बताने हैं अपने, और खर्चे तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, भट्टी खाद पे किसान को लाते हैं, यानी कि 50% रसायन। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के साइड, जिसके पीछे साइड लगा हुआ है, हर्बिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, तो साइड से बचते हैं हम। साइड ही आपकी फसल को सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है। ठीक है, साइड के लिए क्या आ गया आपके पास? आपके पास ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना, मेटेरिजियम एनिसोप्ले, बेसिलस थोरेंजेसिस, बेसिलस सेप्टिलिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटेरिजियम एनिसोप्ले, ये 8-9 प्रकार के आपके कल्चर हो गए। उसके अलावा नाइट्रोजन के 4, फॉस्फोरस का 1, पोटास का 1, सोलवलाइजिंग बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ अभी, जिंक का 1, सल्फर का 1 और डिकम्पोजर का 1। 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, ये 18 बैक्टीरिया जब टाइम टू टाइम ज़मीन में जाएंगे, और भू प्रहरी का नाम रखा है जिसका हमने, जो 9 फंगस, उनके अंदर 2 ग्रोथ प्रमोटर हैं, उनके अंदर 2 फंगस हैं, वो 4 फंगस हैं, 4 कीटनाशक हैं, जब ये प्रॉपर तरीके से आप ज़मीन में देंगे नीचे और ऊपर, तो आपकी ज़मीन में जितना पैथोजेंस पड़ा हुआ है, जो जहर पड़ा हुआ है, एक तो ये उसको डिकम्पोज करेंगे,
ये कितने दिन में काम करना शुरू कर देते हैं जी? मैं आप मुझे बोलने दो तो मैं बताऊँ, ये उसको ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। ठीक है जी, एकदम से जादू कहीं नहीं होने वाला है, ये जादू के चक्कर में ही किसान बर्बाद होता है कि बस एक बोतल पकड़ा दो मेरे को जादू करना है, जादू कहीं नहीं चलता है, जादू करके कहीं नहीं जाना है। आप और मैं अभी अपनी सोच रहे हैं, ये जो बालक हमारे साथ घूम रहे थे ना, इनकी सोचो ये क्या खाएंगे, ये तब खाएंगे जब हम ज़मीन में कुछ छोड़ेंगे। अगर ज़मीन से कुछ वापस ले रहे हो तो ज़मीन को देना भी पड़ता है, अगर नहीं दे सकते तो प्राकृतिक वातावरण बनाना पड़ेगा, लेकिन प्राकृतिक वातावरण से हमारे पेट नहीं पलने के। 150 करोड़ हो आप लोग, थोड़े बहुत नहीं है, समझ रहे हो कि आज ही मैं ऐसे बटन दबा के ऑर्गेनिक पे आ जाऊंगा और आज से मेरी उपज बढ़िया हो जाएगी, कितनी लंबी जीव निकल जाती है ऑर्गेनिक करने में, ना पेस्ट कंट्रोल होता है, ना कीट कंट्रोल होते हैं, ना उपज कंट्रोल होती है, ना बीमारियाँ कंट्रोल होती है, क्योंकि तुम एक शराबी कबाबी आदमी को अगले दिन हरे कृष्ण हरे राम का पाठ नहीं पढ़ा सकते। आज जो ज़मीन है वो शराबी कबाबी हो रखी है। नहीं एकदम तो आए नहीं जाता जी। ना एकदम आओगे तो गिरोगे। गिरेंगे जी। आपने क्या करना है, पहले ही साल ज़मीन में बायोमास कार्बन अच्छे से डालना है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कम से कम 5 क्विंटल, जिप्सम, खेत की तैयारी बहुत मज़ेदार करना है, हरी खाद वो भी 9 तरीके की, 3 दलहन 3 तिलहन 3 अन्य प्रकार की फसलें बो के, और उसके बाद उसमें फसल बो। फसल बुवाई में आप अगर ये 9 के 9 कल्चर चलाएंगे तो ये स्टार्टिंग से लोक लगा कर रखेंगे आपकी बीमारी में। उसके बाद हर महीने अगर आपने ये 200 लीटर छोड़ दिए या अल्टरनेटिव महीना भी छोड़ दिया, अब ये बीमारियों को कम्प्लीटली कंट्रोल करते हैं, हमने ये करके देखा है। अब बात आती है कि ज़मीन से ऊपर वाली फंगस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वो तो हवा के थ्रू भी आती है, वो जानवरों के थ्रू भी आती है, ज़्यादातर तो वायु ही है उसका संचार। उस फसल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सूडोमोनास, बिवेरिया बेशाना और मेटरजेमानी सोपले, ये 3 मुख्य हैं जो उसको रोकते हैं ऊपर वाली को। ठीक है, ये भी इसके अंदर हैं। तो जब ये तीनों आप ऊपर से स्प्रे करेंगे और नीचे से इन सभी के कल्चर चलाएंगे तो ये कवच बन गया नीचे से ऊपर तक, आपकी फसल में ईमानदारी से कोई बीमारी नहीं आएगी। मैंने है ना जी धान की फसल में अब मैंने लगाई थी जी 1 तारीख को, 1 जुलाई को, और मैंने साथ में 10-10 लीटर ये क्यों तुरंत बनाओ मदर कल्चर मेरा तुरंत 10-10 लीटर दोनों छोड़ दिए नीचे जी। साथ में कच्चा गोबर पर एकड़ 20 से 25 किलो और 5 किलो सरसों की खड़ी, बहुत बढ़िया, ये छोड़ दिया। फिर बाद में यूरिया NPK 15-15 इसका भट्टी खाद लगा के वो डाला, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है, एक खेत में तो मतलब ठीक है, एक खेत में जो झंडा रोग होता है उसमें है लगभग 8 से 10 पौधे। इस तरह करो, अभी हमने देखो नीचे क्या है, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, नीचे असंख्य अनंत पैथोजेंस पड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने ये दिया है जी इसको अपनी को, ये 1 तारीख को लगी थी, आज 25-26 तारीख हो गई, अब उसमें अब फिलहाल को और कोई मतलब भट्टी खाद किसी प्रकार का कुछ देने की जरूरत है या नहीं? 20 दिन पे अगर आप रासायनिक कर रहे हो तो ये कल्चर बनाओ सिस्टर कल्चर। नहीं अब तो मैंने जैसे अब आपने बताया है ना, अब तो फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। 20 दिन पे जब हो जाए 20 से 25 दिन की सिस्टर कल्चर बनाओ, सिस्टर कल्चर में 2 किलो 1919 डालो, उसी के अंदर ये लोगों में मिथ है कि इसके अंदर डालेंगे तो ये मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं मरता है भाई, ये केवल दिमाग का बहम है, और इसके अंदर आपने स्टिकर मिलाना है। ठीक है जी, 50 से 100 ml स्प्रे मार दो सेम 40 दिन पे, हमारी ड्यूटी खत्म। अच्छा जी, जैसे ये हम 40 से 45 दिन की जीरी हो जाती है, अब तो किसान 2-2 बार फर्टेरा डालने लग गया, पहले तो ये इस पे 30 दिन पे डाल देते हैं, फिर 40 से 45 दिन पे डालता है, 2 फर्टेरा पे आ गया है, पहले 1 पे था 40 से 45 दिन पे, मरेंगे अभी ये 30 रुपये भी आएंगे, वही तो है ना, तो कैंसर हो रहे हैं। नहीं देखो जी जो फिलहाल खेती कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इन्हें तो कैंसर हो रहा है और किसे कैंसर हो रहा है। अच्छा अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ आपके मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया ये तो पूर्ण रूप से जैविक है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने ये चीज़ दी है, इसको जैविक नहीं बोलते, इसको केमिकल फ्री फार्मिंग बोलते हैं, रेजिड्यू फ्री, रेजिड्यू को हमने किनारे कर दिया। हाँ जो जहर था जो खतरनाक वाला, हम मतलब बाकी थोड़ा बहुत जा रहा है तो हम उसके लिए बैक्टीरिया छोड़ रहे हैं, उसके लिए बराबर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जैसे अब ये
फोराडन, ये इसको मिक्स फार्मिंग भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, जैसे ये फर्टेरा है, जैसे 40-45 दिन की हो जाएगी तो फर्टेरा ही कोई जरूरत नहीं मेरे को। 200 लीटर अगर आपने भू प्रहरी चलाया है तो निश्चित रूप से ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, फिर फायदे क्या इस किट को लेने का? अच्छा, प्लस फिर आ जाता है जी, जैसे गोप में आ जाती है स्प्रे, उसमें फिर वो 14 दिन पे आप प्योर का स्प्रे करो। बनाया 10 दिन हो गए स्प्रे कर दिया, बनाया 10 दिन हो गए स्प्रे कर दिया, बनाया 10 दिन हो गए, उसमें जैसे मच्छर आता है, मच्छर का बड़ा ज्यादा प्रकोप होता है, जीरी की जीरी मतलब सूख जाती है। एक ही उपाय है जो बना के बैठे हो घर अपने। ठीक है जी, किसी भी साइंटिस्ट के पास पहुंच जाओ, किसी भी जानकार के पास पहुंच जाओ, सब बोले अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल ये गलत कर रहा हूँ क्या कल्चर चला के, तो वो कहेगा ना ठीक कर रहे हैं, ये एंड ऑफ द रिजल्ट है। अच्छा जी, पोटाश कितना, कम से कम कितना डालना चाहिए खेत की तैयारी में? आप अगर रसायनिक खेती कर रहे हो तो 50 किलो एक एकड़ में, और जो भट्टी खाद के द्वारा में, भट्टी खाद में कम कर लो, 35 कर लो, अगले साल 25 कर लो, 30 साल 15 कर लो, 34 साल जय हिंद। अरे जी, मैंने वो बना रखे आपका, आपने बताया था बेल पत्थर गुड़ वाला पोटाश रखा तो है, केले वाला। हाँ, तो मैंने वो बनाया है जी 5 लीटर। अब जैसे मेरे पास 1 ml पर लीटर स्प्रे 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और जमीन में, जमीन में 1 लीटर पर एकड़ काफ़ी है, नैनो में बदल जाता है। मतलब जैसे अब मैंने वो पोटाश स्टार्टिंग में नहीं डाला तो उसकी कमी पूरी कर देगा वो? बिल्कुल करेगा, हर स्प्रे में ले लो, इसी में मिला लो कल्चर में। कितना जी वो? तो खैर 3 महीने में होगा उसका, तो अभी तक ये 1 लीटर 1.5 महीना हुआ अभी तो उसको, आधा लीटर मिला लो काफ़ी है। अब की कंडीशन में 1 ml पर लीटर में, 200 लीटर में 200 ml, 500 मिला लो काफ़ी है। ठीक है जी, और जैसे ये सब्जी वर्गियों में जी, जैसे गोभी है, गोभी में देखो, सब्जी वर्गी में आपको हर हफ्ते प्रोडक्शन लेनी पड़ेगी, सुंडी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, ये करोगे तो आएगी नहीं। कितने दिन टाइम पे? 7-7 दिन तक शेड्यूल रखो अपना सब्जी में। केमिकल भी इतने दिन में मारते हो? केमिकल भी मतलब हफ्ते में नहीं, 10 दिन में तो लगता ही है केमिकल भी। हफ्ते में अगर आपने ये मारा, शांति से सो अपने घर, और सब्जी में तो आपको कोई कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जहर नहीं पाता हूँ लोगों को। अच्छा जी, मैंने उसमें किया, हमें दूध का स्प्रे किया था, आपको वीडियो भी भेजी थी, मिट्टी वाला का भी किया था, कल्चर का भी किया जी। अच्छा, लेकिन उसकी अब जैसे प्रोडक्शन कम है, उसमें आपने बोरोन का बोला था, मैंने बोरोन भी डाल दिया, हम अगर कैल्शियम भी डाल दिया, बीच में कोई फसल पकड़ते हैं तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मेरे साथ आ जाओ और मैं आपको रातों रात बहुत बड़ी बढ़िया खेती करा दूंगा और आपकी जमीन ऐसे कर, ये बकवासबाजी है। 1-2 साल आपकी जमीन लेती है, 6 महीने तो पकड़ने में लेगी लेगी। ठीक है जी, इस गाड़ी को भी स्टार्ट करोगे ना तो ये भी 200 मीटर ले लेती है रोंद आने में, समझ रहे हो? नहीं तो पहले बैलगाड़ी की तरह चलती है, ऐसे ही जमीन है, बैक्टीरिया गए हैं अभी, पहले वो अपने लेवल का तलाश मीडिया तलाशेंगे, माहौल बनाएंगे, तब उनकी कॉलोनी डाइवर्ट होगी, डेवलप होगी, धीरे 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 इनकी कॉलोनियाँ बढ़ेंगी, तब जा करके आपको इसका रिजल्ट मिलने शुरू होंगे जमीन से, ऊपर से आपको पहली बार में आ जाएगा रिजल्ट स्प्रे में। आज मारो से तो जी, मैंने उसमें फंगस बहुत ज़्यादा थी, मैंने ये कीटाने से पहले अच्छे से नहला देते उसको, 2 बार मैंने उसके रोको साल्ट के स्प्रे किए थे फंगिसाइड के, हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि रोको से अच्छा साल्ट है, वैसे तो बहुत से फंगिसाइड हैं लेकिन एक नॉर्मल है, रोको से हो जाते हैं लेकिन वो फंगस नहीं कंट्रोल हुई, इससे हो गई थी। अच्छा, तो बताओ बेल जैसे ऐसे थी ना वो, ऐसे वो कितने की आई थी दवाई? कौन सी जी? अंग्रेजी दवाई केमिकल रोको, वो तो जी कोई भी केमिकल ले लो जी, 500 से कम स्प्रे है ही नहीं। और ये 1 रुपए का इसका हिसाब जोड़ो तो जी, सारा हिसाब जोड़ के तभी तो मंगा था जी आपसे। ये तो फ्री का है। हाँ, इसे तो एक तरीके से समझो ये फ्री चीज है। हाँ, तो इन यही भविष्य है हमारा, तो सारी दवाओं की बीमारियों का इलाज यही है। और आप बताएं, अगर जो हम इसको रूटीन में चलाए जी, जी मान लो हमने 1-2 साल चलाए, तो हम इससे केमिकल से साल में मुक्त हो जाएंगे या 2 साल में या 3 साल में?
मैं आ रहा हूँ। हाँ तो बारह बिटिया की तबीयत खराब है तो घर से बोला है। अच्छा कोई नहीं जी, वो भी ज़रूरी है। जैसे हम ये चला रहे हैं अपने बैक्टीरिया, जैसे हमने एक साल दो साल रूटीन में चला दी, दो साल ही मान के चलो हमने चला, 6 महीने चला दो कुत्ते फिरोगे अपने आप ही। चलो हम तो 2 साल करें, 1 साल का तो मंगा लिया, अगली साल और मंगा लेंगे। हर साल मंगाओ ना, दिक्कत क्या है? नहीं सुनो दो फिर, मतलब कि जैसे हम ये प्रोडक्शन है जो हमारा जो टूट रही है, जो ये बीमारी आ रही है, देखो जो ये केमिकल है हमारा, हम जैसे खेत में गए देखा भाई ये है डॉक्टर जी ये बीमारी है दवाई जा भाई दुकान पर लिया, मैं उससे कह रहा हूँ उससे कम मिल जाती है, अगर जो हम ये बैक्टीरिया कंटिन्यू लगातार चलाते रहते हैं आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जाओगे कौन डॉक्टर? मैं तो गया नहीं आज तक। लो जी देखो हम भी देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं आप की तरह। अब देखो आपको खुद एक, आप कह रहे हो कि मुझे एक स्प्रे में रिजल्ट आया, फंगस में आया जी मेरे, अगर आप उसे में आया, अगर आप उसे हर हफ्ते मारोगे तो आपको लगता है कि बीमारी आएगी। अच्छा जी आज उनकी ये चैल साहब की आगे सब्जी नहीं करते, आज उसी की आगे सब्जी बनाई थी, टेस्ट पूछ लो तो टेस्ट तो आएगा कोई, वही बहुत टेस्टी थी सब्जी, मतलब अगर वही केमिकल वाली होती ना, उनका जो बनाने का मतलब घुटने का तरीका था वो बहुत टेस्टी, मतलब बहुत जल्दी बहुत सॉफ्ट थी, खाने में बहुत टेस्ट। ये जैविक का कमाल है, वहाँ इनसे हम 10 किलो पैक करा के लाए लखनऊ ले, शाहजहाँपुर लेके जाएंगे वहाँ बना के। अब तुम सोचो कि अगर यही केमिकल वाली होती तो मन में ऐसा लगता यार बालक ना छू ले, कोई और ना छू ले। अच्छा जी एक और सवाल है जी हमारा, जैसे चैल साहब ने यहाँ पर जमीन ले रखी है, अब ये धान की फसल उठाएंगे, धान की फसल के बाद ये वहाँ पर सब्जी करने के इच्छुक हो रहे हैं, तो ये मतलब कि एक एकड़ में एक ही सब्जी लगाए या उसमें 2 या 3 सब्जी लगाए, इनको चूज करना पड़ेगा किस समय में लगा रहे हैं। ये मान के चलो अगस्त सितंबर, सितंबर के लास्ट में आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अक्टूबर में ग्रुप में सब्जी के बहुत किसान हैं, अब जो भी प्रश्न पूछोगे तो आपको सब्जी का वाला सब्जी वाला जवाब दे देगा। अक्टूबर में इनकी वो लगेगी, आप अगर अच्छे तरीके से मेरे तरीके से उगाएंगे ना तो आपका तो वहाँ ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा, वहाँ मैंने आपको बताया था कि मेरे परिवार के लोग आ गए वहाँ पे, ठीक ऑटोमेटिक वहीं हुआ, अंदर के अंदर ही सेल हो जाएगा, आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से जहर मुक्त हो गया तो नहीं जी, मतलब कि ये तो है ना, आप जैसे यहाँ आने का मकसद यही था जी, मेन तो यही था इन्होंने वहाँ पर करनी है, और जैसे अब इन्होंने धान लगाई है उसमें बीमारी आ गई, आपको भी दिखाया, मतलब कि और आस पड़ोस की ठीक है लेकिन इन्होंने किया है वहाँ पर इनकी। आप इसको ले जा करके 10 दिन रख के, अभी तो उसमें केमिकल कर दो, और 10 दिन इसको रखने के बाद इसको खेत में चला दो, आपको रिजल्ट वहीं पे दिख जाएगा ऑटोमेटिक। बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल, जब इतने दूर से आए, पृथ्वी की चीजें हैं ये, इनमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी रकम नहीं जाती, ये तो एक जागरूकता है जो किसान को जागरूकता नहीं। पोटाश कैसे तैयार होगा, ये पोटाश बताइए। ये तो आप कच्चे केले ले लियो, शाहजहाँपुर में बहुत मिल जाएगा आपको, कच्चा केला कच्चा है, पक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, फल मिल जाए कोई भी उसको डाल दो एक ड्रम में, आधा ड्रम 10 किलो कूड़े डाल दो, बाकी पानी भर दो, ऊपर से मुंह बांध दो, खाने खत्म होगी 3 महीने भूल जाओ, मतलब 30 किलो 40 किलो 50 किलो 40 ले लो 50 ले लो 40 किलो केले ले ले। मैं तोलता कुछ नहीं हूँ भाई, मैं बड़ा सिंपल सा साधारण सा जाट किसान हूँ, एकदम खड़ी बुद्धि, ये सोच रहे फल भी तोले जा रहे हैं क्या, उठाओ ड्रम में भर दिया हमने, आधा ड्रम भर दिया, अब उसमें जो 20 किलो आ जाओ 50 किलो आ जाओ, मेरे पे जितने अपने आप खा जाएंगे बैक्टीरिया, उन्हें तुम कुछ ना करना, ठीक खा के एक बोतल इसके डाल दियो बैक्टीरिया उसके अंदर, ठीक ये अपने आप खाएंगे मस्ताएंगे मौज लेंगे, 3 महीने बाद रेडी, उसके बाद खेत में चलाओ स्प्रे में 1 लीटर पर टंकी डाल दो, 2 बार स्प्रे कर दो फसल में, धुआं ठाव फिरेंगे, भोजन है ये बैक्टीरिया का। अच्छा जी एक और बात है राहुल भाई, देखो बैक्टीरिया की एक बात रहेगी जी, बैक्टीरिया से बढ़िया रिजल्ट चाहिए ना, इन्हें भोजन देना पड़ेगा। हाँ वो मतलब जैसे हमने खेत में, आप आए अगर मुझे आपसे भाई भाई चाहिए तो मुझे आपको चारपाई देनी चाहिए थी, पानी पिलाना चाहिए, बाकी चाय को आपने मना कर दिया, खानों को मैं पूछ नहीं पाया, ठीक है खाना खाया भी कि नहीं खाया? बिल्कुल खा गया, तो खाने का तो बता तो दिया जी,
हाँ घिया खा के आए हो तो भाई अभी स्थिति यह है कि अगर मैं वो चीज ना पूछू तो आपको मिलता ही नहीं। हाँ। तो खेत में बैक्टीरिया तो छोड़ दिए, अपने पानीपत से आदमी तो बुला लिए, आप मिले नहीं, उल्टा मैंने आपको फोन करा, इसको बोलते जिम्मेदारी, मैं वहां से एकदम निकल गया, मसल मेरे किसान आने वाले, मुझे जाना है। ठीक है, तो हमने अगर खेत में 15 दिन में एक बार 1 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ, छाछने में तो दही ले लो, उसको पानी डाल के मैं लस्सी बना लो उसकी, 2 लीटर बन जाओ, 3 लीटर बन जाओ, 4 लीटर बन जाओ, और उसमें चावल का मांड, चावल रोज बनता है अपने घर में, उसे इकट्ठा कर लो। मैंने तो एक बाल्टी रख रखी थी। हाँ, चावल का मांड 2 से 5 लीटर, अगर वो भी नहीं है तो आलू उबाल लो। अरे तेरी तीजी रिश्तेदारी ब्याह कहीं दुनिया भर के, तो ऐसे ही पकड़ रहा हूं, एक शादी में लगभग 400 लीटर चावल का मांड निकलता है एक शादी में, तो मैंने काउंटिंग किया है। मंडे गांव में तो दुनिया भर के वो हो रहे हैं, मिल ही जाता है चाहो तो, नहीं तो अपने घर में तो है ही। 2 से 5 लीटर रोज का एक गिलास में निकलेगा ना, तो 15 दिन में 15 गिलास हो, और एक गिलास 300 ml का होता है, 4.5 लीटर हो गया, अच्छा खासा। इसको इसी में मिलाओ जा भैया पानी के साथ, नहीं तो आलू ले लो, छील लो, उबाल लो, मिक्सी में डालो, पानी डालो, पीसो, बाद में इसमें डाल दो, 15 दिन में जाने दो खेत में, आप अद्भुत रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा जी, जैसे एक मेन समस्या और होती है जी, जैसे इनको पानी के साथ छोड़ने की, जैसे इनको हम पानी के साथ ना छोड़ सकते, मान लो बाई चांस किसी भी मिला के डालो, जैसे गोबर की खाद है अपनी मिला के डालो, उसमें मिला के रखना डालो, बिल्कुल ये इसमें तुरंत की तुरंत डाल दे, या उसको हफ्ता 10 दिन रोके, रोकोगे तो और बढ़िया रहेगा, मल्टीपल होगा, 10 दिन कम से कम रोको। जैसे हमने 100 लीटर छोड़ना है, जैसे उसमें बल्टी मिलेगी वैसे भगा दे, देखो सपोज करो आपको एकदम रिजल्ट चाहिए, समय कम है, समय तो मदर कल्चर 20 लीटर निकालो, उसके ऊपर छिड़क दो गोबर के, हैंड टू हैंड खेत में फेंक दो, समय है तो मदर कल्चर में से 1 लीटर निकालो, गोबर की खाद पे फेंको 1 एकड़ की, और इसको मिला करके 8-10 दिन छोड़ दो नमी देख, 1 लीटर 20 लीटर बन जाएगी। अच्छा जी, जैसे अब खड़ी फसल है उसमें मतलब गोबर की खाद ये बैक्टीरिया के साथ डालनी है, मतलब कौन सी फसल है, जैसे जी हाँ धान में तो दे सकते, धान में, घिया में, गोभी में, मिर्ची में, आराम से दो, मतलब उसके लिए ड्रेंचिंग करो, गोबर कितना चाहिए, ये गोबर की खाद, गोबर तो जितना फेंक सको जितना दे दो उतना कम है, नहीं कम से कम मतलब जो किसान आसानी से फेंक सके, दो बोरी तो मिल जाता है 50। ऐसा है ना, देखो भाई साहब, मतलब कि कहने को तो वो बात नहीं होती है, मास्टर कहता है बोले हाँ बेटे ये याद कर लिया, हाँ जी कर लिया हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट तो अगले दिन पता लगता है कि वो करके लाया कि नहीं लाया। मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत आसान तरीके बताता हूँ, उलझाता नहीं हो किसान, वही तो है ना जी, मतलब कि ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ये किसान तो हमारा किसान है ना जी, हमारा किसान है पैकिंग पे निर्भर, अब हाल की घड़ी में यही बात है ना जी, वो तो 5 किलो की भाई फूट की दे दे, 1 कट्टा यूरिया का दे दे, वो मिलाकर भगा दिया, रेडीमेड ज्यादा दिन, देखो बिना रेडीमेड के भी काम नहीं चलेगा स्टार्टिंग में अभी, स्टार्टिंग में लेकिन ये भविष्य, लेकिन ये भविष्य भी नहीं, मतलब उसका देखो तरीका बता दिया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है पहले उसको छोड़ो, उसका विकल्प हमने तुम्हें ला दिया, और एक अपने खेतों में माइक्रो राजा का प्रयोग जरूर करो। हाँ माइक्रो राजा आप डाला है जी, मैंने पहली बार वो दानेदार वाला चिलिटेड वाला डाला करो, ज्यादा बेहतर रिजल्ट। ऐसा है जी, आपने ये पोटाशियम, पोटाशोमेट और फुलवेट वो बोला था उसमें भट्टी खाद में मिलाने के लिए, मैंने 10 जगह पता करा जी, मिला ही नहीं हमारे वहाँ, तो वो हमारे यहाँ से ले लो, हम लिए बैठे हैं स्टोर के स्टोर आप लोगों के लिए। बताने तो लग रहा है जी भाई, जिस दाई ने जो दवाई बताई वही दाई बताएगी उसकी दवाई कहाँ मिली। हाँ तो ये है ना जी, पोटेशियम देखो जो हमारे यहाँ उपलब्ध है वो डाल दिया हमने जी, माइक्रो राजा भी हम लोग भी लेके आ रहे हैं चिलेटेड में, और वैसा ओरिजिनल माइक्रो राजा जो खेत में जाकर आपको लगेगा कि नहीं यार वाह, वो ऑटोमेटिक माइक्रो राजा होता क्या है, माइक्रो राजा एक कवक जड़ है, फंगस की जड़, जो अपने आप में अगर आपकी जड़ें 6 इंच की हैं तो इसको 1.5 फीट पहुँचा देगी, जड़ों को नहीं बढ़ाएगी, जड़ों में जड़ निकालेगी अपनी, अगर आपकी जड़ जैसे भाई साहब के पौधे में अभी दिक्कत आ रही है, अगर माइक्रो राजा होता तो इस समय पौधे में दिक्कत नहीं आती,
इसको पौधे को भोजन माई कराया जा देता। हाँ वो हो गया जड़ से, फिर जड़ होगी, फिर जड़ होगी। माइकोराइजा खुद जो है पौधे से शर्करा लेता है जड़ों से, और फिर पौधे को अपनी कृत्रिम जड़ देता है, और आसपास से जितना न्यूट्रिशन है शर्करा के बदले में वो लेकर के उनको देता है। ठीक है, माइकोराइजा ऑर्गेनिक चीज है, कुदरती है, जमीनों में ऑलरेडी होता है, हम लोगों की अज्ञानता की वजह से कम हो गया। अभी भी बहुत लोगों के खेत में कई जगह माइकोराइजा मिलता है। मैंने कहने लगा जी अब की बार डाला है, वो भी आपकी मतलब वीडियो देख के आपसे वो करके। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप माइकोराइजा और ये कल्चर दो चीज़ को गांठ बांध लो। बाकी अगर कभी आवश्यकता पड़ती है, जैसे सब्जी खेती कर रहे हो तो आप ये लगा सकते हैं, हमारा केला गुरु, हम सब्जी के ऊपर भी। ये तो मैंने उसमें लगा दिया जी, अंजीर के बाग में। उसमें क्या कितने दिन हो गए लगा उसको जी? 5 से 6 दिन हुए हैं अभी लगाए हुए। और पहली ट्रिंचिंग? पहली ट्रिंचिंग बहुत शानदार रिजल्ट देगा आपको। साथ में मैंने ये भूमित्र भी मिला लिया था उसमें। हाँ कोई इसको तो चाहे जहाँ मिलाओ, अब उसका स्प्रे करना है उसमें, भू प्रहरी मिलाना है ना उसमें। तो भूमित्र का कोई काम नहीं, भूमित्र तो जमीन में जाने दो उसको, जितना भेजोगे उतना मजा देगा। अच्छा जैसे बाई चांस भूमित्र का मतलब स्प्रे लग जाए उसका कोई नुकसान तो नहीं? नुकसान कुछ नहीं, फायदा भी नहीं है, मतलब ना कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई सब जमीन में होता है, वो पत्ते पर क्या करेगा, मतलब उसका ऊपर ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान, बस उसका तो जमीन में ही फायदा। मेरी जमीन है, मेरी जमीन खुद ही पड़ी है, मतलब खेत की नलाई हो रखी है, आप आए खुरपा लेके जबरदस्ती मेरा खेत को नला गए, तो ना तो मुझे फायदा हुआ ना मुझे नुकसान। हाँ ठीक बात है। ठीक है भैया, तेरी खुरकियाँ जी मिट गई, बात खत्म। हाँ तो भू प्रहरी का ही काम है स्प्रे में, भूमित्र तो जमीन में जादू है। चलो जी आपके दिशा निर्देश पे कर रहे हैं, आप करो बिल्कुल आराम के साथ। चार एकड़ है, 4 एकड़ में ऐसे ही कर रहे हैं जी, आपको रिजल्ट आएंगे और दुनिया को आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मिट्टी की स्थिति, जलवायु की स्थिति डिपेंड करती है कि आपकी जमीन कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। हर मिट्टी की संरचना अलग अलग है, एक सी नहीं है पूरे भारत में, तो कहीं जल्दी रिस्पॉन्स आते हैं, कहीं थोड़ा लेट आते हैं, कहीं उससे लेट आते हैं, कहीं बहुत जल्दी आते हैं। अच्छा जी एक बात और है जी, या तो सारी खेती ही रसायन पे हो रही है या फिर सारी ही जैविक पे हो रही है, यही तो गड़बड़ है। नहीं उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, कैसे कह रहा हूँ मैं ये बात, ये कह रहा हूँ मैं, आप बिजनौर में, पानीपत में, सोनीपत में कहीं देख लो, किसी भी मतलब कि वो अच्छी दुकान मिलेगी, या तो केमिकल या ऑर्गेनिक। नहीं ऑर्गेनिक ज्यादा होगी कि प्योर ऑर्गेनिक, प्योर जैविक? अरे कितने किसान कर रहे हैं ये तो, मतलब एक बार सर्वे कर लो क्या कर, ये सब धोखा देने वाली कहानी है असल में। और जो कर रहा है उसको बिकता नहीं, उसको उसका बिकता नहीं ओरिजिनल वाले का। मैं ये कह रहा हूँ जी उसको तो 10 रुपये अगर जो आप लोग उगाओ, हम लोग बिकवाने की व्यवस्था भी करेंगे। जब इतना तो आप लोगों के साथ खड़े हैं, एक मार्केट आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ भी लिया है, आप लोग कोशिश करो। हमने तो यह बना रखी जी ऑर्गेनिक, और आपने खुशबू भी ले ली होगी इसकी, बोल के एक बार ले खुशबू। नहीं खुशबू तो इसमें से आ रही फर्स्ट क्लास वाली। हमारा तो ये क्या है, ये अंजीर के पत्तों की चाय है जी, आप ग्रीन टी पीते हो ना। हाँ इसके फायदे क्या क्या हैं? इसका तो जी मैंने, हमारे एक भाई साहब हैं रेलवे में SI, उनको शुगर, उसको दे दीजिए जी। पहले ले गए वो तो उनका मतलब कि टूट गई जी, फिर उन्होंने दोबारा लेके गए, उनको दिया आपने दरोगा जी को, SI को दिया जी जी। अच्छा जी उन्होंने कई बार जाना पड़ गया तो वो कंटिन्यू नहीं कर उस फाइस को। अच्छा वो दोबारा ले गए मेरे पास। ठीक है उन्होंने 10 दिन लगातार लिया जी इसको, उनके 30 पॉइंट कम हुए जी इससे। कहें के शुगर के? अच्छा इसी को पीने से। तो पीने का तरीका क्या है? पीने का तरीका जी जैसे आपने इसका आधा चम्मच, किस टाइम? सवेरे और सुबह, ये सुबह और शाम, सुबह खाली पेट, शाम को अपना खाना। दूध मिला के पी सकते हैं? दूध मिला के पियो आप। और फिर शक्कर वक्कर कैसे करें? शुगर वाले को तो शक्कर डालने की, वैसे ही मिठास होती है। नहीं जैसे मेरा जैसा आदमी फिट आदमी, आपको मैं चीनी पीता नहीं, आपकी मिठास के अनुसार
वैसे भी मिठास, मैं तो गुड़ या शक्कर डालता हूँ इसमें, तो वैसे भी मिठास है। अच्छा, वैसे भी मिठास है जी, नेचुरल मिठास है इसमें। और क्या क्या चीज पर हमने रिसर्च तो करी होगी इसकी? कुछ इसकी जी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल। हाँ, और आपका शुगर? शुगर हो गया जी, घुटनों पे भी काम करता है जी, मतलब बॉडी को हील करता है कुल मिलाकर के सारे। और सबसे बड़ी बात ये डाइजेशन। अच्छा, मेटाबॉलिज्म। हाँ, जैसे हमें जीवाणु खाया पिया नहीं पच रहा, जीवाणु। हाँ, अभी तुम्हारी तुम्हारी जमीन में खाया पिया थोड़ी पच रहा है। हाँ, गोमित्र है, क्या क्या काम करेगा तो उसका है जी। बहुत बढ़िया, चलो इसे पी के इसका रिजल्ट बताएंगे आप 10 दिन में ही। आप बता दोगे कि भाई साहब ओ तो और ले आओ। तो ये कैसे पत्तों के बनाते हो आप? ये अंजीर के पत्तों को काट के, ताजे पत्तों को, हरे पत्तों को, हरे पत्तों को, जैसे फ्रूट ले लिया उसका, फ्रूट लेने के बाद पत्ते रह गए वो वेस्टेज है, उनको तोड़ के सुखा के और ग्राइंड कर लिया जी मिक्सी में। बहुत बढ़िया, और खुशबू तो आपने देख लिया, ये कम से कम 3 ओ जी हो, ये 6-7 महीने की, 7 महीने की होगी जी। बहुत बढ़िया, इसका रिजल्ट बताएंगे आप? रिजल्ट हम तो देखो जी तैयार कर रहे हैं ये, और अब ये चीजें किसान से खरीदनी चाहिए लोगों को। ये जो मॉल में जा रहे हैं ग्रीन टी का पाउच ला रहे हैं, जो 15 पता है कितने रुपए का, 20 रुपए का एक पाउच है ग्रीन टी का। मैं 10 रुपए का पाउच दे दूंगा जी बना के, अगर जो आप ये मतलब ये ग्रीन टी को इससे अच्छी बता दो तो आपका ही रिजल्ट लूंगा जी मैं तो। ना ना, मैं तो भाई देसी आदमी, मैं तो कहता हूँ किसानों से खरीदो, मेरे को तो व्यापार पसंद नहीं। नहीं जी, व्यापार नहीं, आपको तो पता है किसान चीज़, अगर एक बार बताओ, सुनो जी, आपको चीज का तो पता है कि भाई ये चीज क्या, आपने घिया लगा रखी। मैं मोल से क्यों घिया लाऊंगा, मैं तुम्हारे खेत से ना लाने का सीधी, और तुमसे कहूंगा भैया इसमें कुछ डालिए मत, मैं काणी ले लूंगा, कीड़े वाला इससे काट दूंगा मैं एक तरफ को, मैं अपनी बना लूंगा। हाँ, तो मुझे बीमारी कहाँ से आएगी? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, ऐसे फैमिली किसान भी होना चाहिए आदमी का। हम तो उसी किसान से खाने का सामान लाएंगे, उसी दुकान से जैसे कपड़े लाते हैं, एक सुनार चुनते हैं, एक बार बार चुनते हैं, ऐसे हमें किसान भी चुनना चाहिए। ऐसा है जी, आप इस पे काम तो किसानों की स्थिति सुधरेगी भाई। अब तुम्हारी अगर अंजीर की चाय बिके तो 2 पैसे घरमाएंगे, हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं? अब यही कंपनी आपसे ले जाएंगी और ले जाकर के पैक करके ये मेरे जैसे आदमी को यही जो है 5 गुना ज्यादा रेट में देंगे, और मैं खुशी खुशी पीऊंगा तुम्हारे नहीं लेने का। ये दुर्भाग्य बोलते हैं इसको, दुर्भाग्य हमारे देश का। यही जागरूकता तो लोगों में लाने के लिए घूम रहा हूँ, जाता हूँ, एक दूसरे के लिंक जोड़ रहा हूँ मैं। चलो जी जोड़ो जी, हम तो साथ हैं, हम तो लगे हैं साथ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अंजीर के पत्तों की चाय ये बड़ी बढ़िया चीज है, आप लोग प्रयोग करो भाई, थोड़ी थोड़ी प्रयोग करो। नंबर भाई एक बार नंबर और बता दो अपना, 8597999990 8057 8059799990। ठीक है भाई, से फोन करो, समझो चीजों को, करो और अपने घर मंगाओ सीधी, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं बीच में तंग करने की, सीधे डायरेक्ट फोन करो अपने मंगा लो। ये बड़ी बढ़िया चीज है और ये नेचुरल चीजें हैं यार। नहीं रिजल्ट ले हो जी, केमिकल वाली चाय। अच्छा, इसमें दूध मिला के पी सकते हैं जी? मैंने दूध में भी खाली, जैसे आप ग्रीन टी पीते हो वैसे भी, दोनों तरह से बना के पी है जी। बहुत बढ़िया, मैं भी ट्राई करता हूँ फिर बताऊंगा। नहीं, दोनों तरह के से पियो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सोल्यूशन तो बता दिया मैंने भाई साहब का, तो सब्जी वाला तो मार्केटिंग अभी मार्केटिंग हो रही है भाई, जिसको चाहिएगा डायरेक्ट जुड़ जाएगा। मैं तो डायरेक्ट ही जोड़ता हूँ लोगों को कि भैया डायरेक्ट आप किसानों से जुड़ो, किसानों का भला करो सीधा सीधा, और आप करो प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ निःशुल्क बिना कोई सेवा लिए। ठीक है साहब, राम राम जी, जय हिंद।